केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के इछावर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश में निरंतर विकास हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेक परिवारों को पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। जो पात्र लोग इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको इस योजना से लाभान्वित करने के लिए नया सर्वे शुरू किया जाएगा और वंचित लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। वहीं सोयाबीन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन जरूर खरीदेगी। सीहोर से जवाहरलाल बामनिया की रिपोर्ट। सोयाबीन का मूंगफली के दाम गिर गए थे, अब हमने ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, इसलिए अब दाम बढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने जो तय किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैंने अभी फैसला करवाया है, सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बिकने नहीं दूंगा मैं, वो तो मिलेगी किसान को चाहे कुछ भी हो। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का नया सर्वे शुरू होगा, मैं अगले महीने सर्वे की शुरुआत करवाऊंगा। तो विष्णु भाई, जो जो गरीब रह गए हैं जिनके कच्चे मकान है, सर्वे में सबके नाम जुड़वा देना, ताकि अगर किसी की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा है तो उसको प्रधानमंत्री आवास का मकान नहीं मिलेगा। मैंने कहा 10,000 तो बात कल अपन लाडली बहने वैसी कमा, इसलिए उसको बढ़ा के कर दिया 15,000 सीमा। एक और उसमें था, कोई को फोन है तो नहीं मिलेगा, तो फोन भी मैंने कटवा दिया, क्योंकि फोन तो हर कोई किया है। फिर एक और उसमें नियम बना हुआ था जिसके कारण कई लोग मकान से वंचित रह जाते थे, और वो था कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है, दो पहिया वाहन, तो उसको पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास का मकान नहीं मिलेगा। और भैया बिना मोटरसाइकिल में कोई चले नहीं, तो हम कह जे भी काटो, सबके घर हो गए, उनको ही मिलना चाहिए। और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन जिनकी है, उनको भी पीएम आवास का मकान दिया जाएगा, ताकि छोटे किसानों को भी लाभ मिल जाए।